नरक जाने के लिए यातना शरीर मिलेगा, जो कि हमारे जैसा ही होता है। बस हमारे शरीर में और उस यातना शरीर में इतना अंतर है कि अगर हमको बीच से काट दोगे तो हम मर जाएंगे, वो मरेगा, दर्द पूरा देगा। पीटने पर दर्द पूरी होगी लेकिन मरेगा नहीं। बस उसकी यही खासियत है, पहाड़ से फेंक दो, नदी में डुबा दो, पीड़ा तड़फन और जलन जो भी होती है लगने पर शरीर, वो सब होगी, उसको मरेगा नहीं। मतलब बोले गुरुजी कि जब वो श्लोक सुना रहे थे कि जब व्यक्ति नरक में यातना भोगता ना, तो वहां यमराज से बार बार कहे मुझे मार दो, मैं मर क्यों नहीं रहा हूं। बोले मरेगा नहीं, यही तो बात है बेटा, क्यों भोगा, तेरे को कितनी बार कथाओं में रोका गया, कितनी बार गुरुजनों ने मना किया ऐसा नहीं करना, माना तू नहीं माना ना, भोग। उसको पूरी वो यातनाएं दी जाती हैं जो मृत्यु से भी भयावह होती हैं। मृत्यु तो एक प्रकार से छुटकारा है चीजों से, उसको जीवित रख करके वो सब दिया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है स्वर्ग, तो उसने थोड़े बहुत पुण्य किए वो भोगने के लिए, वहां उसको मिलता भोग देह। दो देह हैं, यातना देह और भोग देह, देह मतलब शरीर। भोग देह को कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी कुछ भी कराओ, वो कभी थकेगा नहीं, कभी मोटा नहीं होगा, कुछ भी चीजों से तृप्त नहीं होगा, सब चलता है। तो ये है नरक स्वर्ग के कॉन्सेप्ट।